सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के ग्रुप एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। This video is powered by Phone Rescue. Check description for more information. दोस्तों सॉरी, आज वीडियो बहुत ही लेट आ रहा है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जो फ्लाइट है वो हो गई थी डिले करीब 2.5 घंटे से। मैं घर पे ही अभी पहुंचा हूं, तो अभी शूट करूंगा, एडिट फिर अपलोड तो आपको मिल जाएगी शायद इंडियन टाइम 12:15 के आसपास। दोस्तों यहां पे जो पहला अपडेट है वो आ रहा है डैमलर की तरफ से, और यहां पे दोस्तों अनवील किया है एक नई बस को, जहां पे वो पेडेस्ट्रियंस के लिए अपने आप ब्रेक लगा देगी। यानी कि सामने अगर कोई आ जाए चलता हुआ इंसान, तो बस अपने आप रुक जाएगी। दोस्तों ये है दुनिया में अपनी तरह की पहली बस, काफी कमाल का कॉन्सेप्ट है, और आगे चल के सेल्फ ड्राइविंग कार्स में और जगह पे अगर इंप्लीमेंट किया जाए तो ऐसे में जो टक्कर लग जाती है लोगों को वो दोस्तों लगने से बच जाएगी। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो निकल के आता है फिजिट स्पिनर्स के लिए। मैंने इसको लेके अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, शायद क्या पता बनाऊंगा, लेकिन यहां पे दोस्तों फिजिट स्पिनर्स जो हैं उनमें हो रहे हैं धमाके, क्योंकि यहां पे दोस्तों कुछ ऐसे स्पिनर्स हैं जहां पे आपको मिलता है LED लाइट्स का कांसेप्ट, यहां पे दोस्तों कुछ में है स्पीकर्स वगैरह, तो जो बैटरी है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, और ऐसे में दोस्तों स्पीकर्स जो है वो फट रहे हैं, स्पिनर्स जो है वो फट रहे हैं। तो हाथ में मत घुमाओ इनको ज्यादा, और रख के घुमा लो वरना धमाका हो जाएगा, तो बिना बात शायद आपको कुछ यहां पे नुकसान भी पहुंच जाए। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है दुबई की तरफ से, और यहां पे दोस्तों अभी दुबई पुलिस जो है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को इंप्लीमेंट करने वाली है स्ट्रीट में पेट्रोलिंग के लिए। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है, और यहां पे 2017 के एंड तक दोस्तों ये जो कार्स हैं सामने होंगी सड़कों पे, जहां पे ये बहुत सारी चीजें स्कैन करेंगी, तरह-तरह दोस्तों लोग हैं सबको फेसेस को स्कैन कर रही हैं, सारी एक्टिविटीज जो उनको मॉनिटर कर रही हैं, जिससे शायद वो पहले ही जान जाएंगे अगर कोई इंसान जिसके इंटेंशंस ठीक नहीं है, या मान लो कोई क्रिमिनल अगर रोड पे है, कोई वांटेड इंसान है, तो उसको पहले शायद पकड़ लेंगे ये जो कार्स हैं यहां पे लगे हुए कैमरे, और कोई इंसान नहीं होगा तो ये और ज्यादा एफिशिएंट भी होंगी। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, और यहां पे दोस्तों जो माइक्रोसॉफ्ट है वो काम करने लग गया है रेस्पबेरी पाई सिस्टम्स के ऊपर, जहां पे दोस्तों उनका जो AI का कांसेप्ट है वो रेस्पबेरी पाई बेस्ड डिवाइसेस में भी काम करेगा। तो ऐसे में दोस्तों बहुत ही छोटे-छोटे डिवाइसेस, बहुत ही लो कॉस्ट डिवाइसेस, वो भी अपने आप में स्मार्ट बनेंगे, काफी अच्छे से काम करेंगे, फिर चाहे वो आपके गार्डन का ऑटोमेटिक वाला फव्वारा हो या दोस्तों हो कोई और कूलिंग सिस्टम, यहां पे AI की मदद से वो अपनी फंक्शनैलिटी को और इंप्रूव करेंगे, और ये बेसिकली बहुत ही चीप होने वाला है बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट जो है वो जुड़ गया है यहां पे रेस्पबेरी पाई के साथ में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है कार्बन नैनो ट्यूब से जुड़ा हुआ, और यहां पे दोस्तों इसकी वजह से होने ये वाला है एक नए टाइप का दोस्तों डिजाइन सामने आया है, जहां पे जो कंप्लीट ट्रांजिस्टर का फुटप्रिंट है वो 40 नैनोमीटर से भी छोटा बन चुका है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, हम भाई इलेक्ट्रॉनिक्स को ना बिल्कुल छोटा छोटा कर रहे हैं, और एक टाइम आएगा जब आप उनको शायद देख ही ना पाओ, वो कहीं इमेजिनरी दुनिया में है, आपने कहीं अपने दिमाग में चिप लगा रखी है, आपको देखने से मतलब क्या पड़ता है, आपको जो काम है वो नॉर्मली ही हो जाएगा। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है हैकर्स को लेके, और यहां पर दोस्तों जो ब्रेन वेव्स की बात हम करते हैं, जहां पे ऐसे डिवाइसेस जो आपके थॉट्स को एनालाइज कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या तरंगे चल रही है उनको एनालाइज कर रहे हैं, आपके सोचने दोस्तों अभी जो काम है वो किया जा रहा है कंप्लीट, तो ऐसे में हैकर्स जो हैं वो आपके जो पासवर्ड्स हैं, आपके जो पिन हैं, जो आपके पैटर्न्स वगैरह हैं, उनको भी हैक कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाई दिमाग में जो आप सोच रहे हो आपका पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, और हैकर ने भी सामने पता लगा लिया कि आपके दिमाग में आपने क्या सोचा है। तो ऐसे दोस्तों ये जो डिवाइसेस वगैरह आने वाले हैं ब्रेन वेव्स के, इनको बहुत ज्यादा सिक्योर होना पड़ेगा, वरना ऐसे तो भाई आपके जो भी मन में बात चल रही है वो कोई भी बैठा हुआ हैक कर पाएगा। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है ये है बेसिकली एक ऐसी बियर के बारे में, जिसको अगर आप पिएंगे तो यहां पर दोस्तों आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये दोस्तों एक नए टाइप की बियर जो है इसको डेवलप किया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में, बियर पियो और सेहत बढ़ाओ और इम्यूनिटी जो है वो अपनी इंप्रूव करो, किसी बीमारी के सामने लड़ने की जो अपनी क्षमता है एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से लड़ पाओगे, ये ऐसा कहते हैं दोस्तों रिसर्चर्स जिन्होंने डेवलप किया है इस बियर को। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है नासा की तरफ से, और यहां पर दोस्तों नासा जो है वो प्लान कर रहा है एक ऐसे सुपरसोनिक प्लेन का, जहां पे पैसेंजर्स अंदर ट्रैवल करने वाले हैं, ये दोस्तों आपके नॉर्मल एयरप्लेन की तरह ही होगा जिसमें आप एक शहर से उड़ के दूसरे शहर पर जाते हैं, लेकिन यहां पर जो स्पीड्स हैं वो बहुत ही कमाल की होंगी, जो दोस्तों जेट है ये काफी क्वाइट भी होगा, और जो स्पीड है वो मतलब सुपरसोनिक साउंड की स्पीड से भी तेज होने वाला है। इसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो सामने तैयार हो चुका है, और ये बहुत ही जल्दी रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। इसका मतलब ये कि जो हम देखते हैं 8-8 घंटे 12-12 घंटे 20-20 घंटे की जो फ्लाइट्स होती हैं उनका टाइम और कम होकर शायद हो पाएगा छोटा, अगर ये प्लेन इसमें काम में लिया जाएगा। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे गूगल ट्राइंगल ऐप के लिए, और ये दोस्तों जो ऐप है ये आपके डेटा को बचाने में आपकी मदद करेगी, जहां पे आप अलग अलग ऐप्स में परमिशन दे सकते हैं कि कौन सी ऐप में डेटा जो है वो काम में लिया जाए, किसमें ना लिया जाए,
कुछ और यहाँ पे दोस्तों कंप्रेशन एल्गोरिथम्स वगैरह भी काम में लिए जा रहे हैं। तो अगर आपको जियो का रोज का 1 GB पड़ता है, कम शाम होते होते जाता है आपका खत्म, तो यहाँ पे दोस्तों काम ले लो गूगल के ट्राइंगल ऐप को, जिससे आपको डेटा शायद थोड़ा सा बच जाएगा। और या फिर अगर आप काम लेते हो किसी और डेटा ऑपरेटर के डेटा को, जहाँ पे जो डेटा है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो ऐसे में आपको कम कीमत देनी पड़ेगी, तो भैया इस ऐप को काम में ले लो और अपने डेटा जो है उसको बचा लो। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट है वो आता है गूगल प्ले की तरफ से, और यहाँ पे अब दोस्तों जो आपको देखने को मिलते हैं एंड्रॉइड में अपडेट्स की, भाई ये आपकी 10 ऐप जो है उनके अपडेट्स अवेलेबल है, अपडेट कर लो। तो अब दोस्तों आपको उसी स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा कि जो अपडेट है उसमें क्या क्या नया है, तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि भाई आपको अपडेट करना है या नहीं करना है। मतलब आपको एक ही जगह पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपको आसानी से बता देगी कि अपडेट जो है वो आपके कितने काम का है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है यहाँ पे, वो है विंडोज 10 के लिए, और यहाँ पर दोस्तों एक नई टेक्निक को डेवलप किया गया है जिसमें आप एक प्रोटेक्शन के लेयर को ऐड करते हैं रैंसमवेयर अटैक्स के थ्रू, जहां पे आप एक फोल्डर एक्सेस जो है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, जहां पे आपने कुछ डेटा को डंप किया तो वो जो डेटा है वो एनक्रिप्ट नहीं हो पाएगा, ऐसा कहता है माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन ये कितना सिक्योर है, यहां पे कोई और बग है या नहीं है वो तो नहीं पता, बिकॉज भाई चारों तरफ जो है लड़ाई छिड़ चुकी है डेटा को लेके। आप बस डेटा को बचा लो, मैं आपको रोज बोलता हूं, आपको शायद लगती होगी बोरियत वाली बात, लेकिन भाई ये जरूरी है। जिसका डिलीट हो गया है उससे पूछो बेचारे की, जिसकी सारी मेहनत जो है सामने एकदम क्लीन हो गई है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे मीडिया टेक की तरफ से, और इसने दोस्तों डेवलप कर लिया है मीडिया टेक ने अपना ड्यूएल 4G वोल्टी वाला सिस्टम, यानी कि दोस्तों दो सिम कार्ड्स, दोनों ड्यूएल सिम 4G प्लस वोल्टी का सपोर्ट यहां पे, और ये है दोस्तों हीलियो X30 जो प्रोसेसर, उसके साथ में आपको ऑप्शन मिल रहा है। हालांकि ऐसे डिवाइसेज नहीं है जहां पे आपको हीलियो X30 मिले, तो इसका यहां पे कुछ इतना फायदा नजर आता नहीं है, लेकिन ये दोस्तों आता है एक अपडेट मीडिया टेक की तरफ से। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है इंस्टाग्राम की तरफ से, और दोस्तों यहां पे भी काम में लिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जहां पे जो ऑफेंसिव कमेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली AI की मदद से ब्लॉक किया जाएगा। अब टिपिकल जो वर्ड्स हैं वो क्या पता कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स के कारण ब्लॉक ना भी हो, लेकिन इन जनरल दोस्तों जो कमेंट्स ऐसे हैं जहां पे कुछ हेटफुल कंटेंट है, जहां पे दोस्तों कुछ एकदम अब्यूजिव वगैरह कंटेंट है, तो वो जो है इंस्टाग्राम अपने आप ब्लॉक कर सकता है अपनी AI की मदद से। दोस्तों अगला अपडेट हमें निकल के आता है वो है बेसिकली फेसबुक वाले ड्रोन के लिए। ये दोस्तों वो ड्रोन है जो प्रोवाइड करेगा इंटरनेट, और उसकी दोस्तों एकदम सक्सेसफुली जो है वो टेस्टिंग कंप्लीट हो गई है, ये लैंड कर चुका है सक्सेसफुली। यानी दोस्तों फेसबुक जो है वो ड्रोन्स का पूरा जाल फैलाने वाला है, जहां से दोस्तों वो इंटरनेट जो है पूरी दुनिया में फैला देगा, उसके बाद में सबको हो जाएगा नशा फेसबुक का और फेसबुक कमाएगा खूब सारा पैसा। ये तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इंटरनेट तो बहाना है, हमें तो पैसा कमाना है। दोस्तों यहां पे जो अगला अपडेट है वो आता है रिलायंस जियो की तरफ से, और यहां पे दोस्तों जियो ने 100 Gbps की सबमरीन केबल नेटवर्क को अनवील किया है, जहां पे दोस्तों एशिया, अफ्रीका और यूरोप में इसके कनेक्शन आपको क्लियरली देखने को मिल जाते हैं। इसे दोस्तों इंडिया में जियो कहता है कि हम जो है डेटा और अच्छे से प्रोवाइड कर पाएंगे, जो लोग वीडियो कॉन्टेंट वगैरह देखते हैं उनको हम और अच्छे से केटर कर पाएंगे। आप मुझे बताओ कि भाई अभी आपकी जियो की जो स्पीड है वो कैसी चल रही है, क्या ओके है या फिर मिक्स मैच है? बिकॉज मैं दिल्ली में था तो दिल्ली में जियो ठीक था, मतलब अच्छा चल रहा था, लेकिन होटल के अंदर अच्छा नहीं चलता, बिकॉज अक्सर जो होटल्स वाले होते हैं वहां पे उनका सिग्नल इतना अच्छे से काम नहीं करता किसी भी ऑपरेटर का। जब मैं बाहर निकल रहा था तो मेरा एकदम फर्स्ट क्लास काम कर रहा था, लेकिन आप मुझे बताओ कि आपका क्या फीडबैक है अभी रिलायंस जियो के लिए। दोस्तों बस यही थे सारे आज के अपडेट्स, मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक या शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।